आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के कैसे शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं, औरंगाबाद में महानगर पालिका का ऑफिस है। अब देखिए, त्यौहार व्यवहार का दिन चल रहे हैं, दिवाली चल रही है, हम समझते हैं हर परिवार लगभग लगभग खुश रहेगा, लेकिन कुछ परिवार कुछ ऐसे हैं जिसमें ये देख सकते हैं अपंग लोग हैं, और ये बैठे हैं, एक तरफ दिए जल रहे हैं, एक तरफ रोशनी हो रही है, मिठाइयाँ बट रही हैं, लेकिन आज भी कुछ समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, खुशी का पल है, खुशी का दिन है, दिवाली है, लेकिन दिवाली तो चल रही है लेकिन गरीब का दीवाना निकल रहा है। चलिए उनसे जानना चाहेंगे कि इनकी मांग क्या है, कहना क्या चाहते हैं। आज औरंगाबाद जिला सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मेन के तरफ से 15 दिन से महानगर पालिका के अंदर हमारी पूरी टीम, यानी मैं भी जो जिला अध्यक्ष होने के, हम यहाँ तक के स्मार्ट सिटी कमिश्नर साहब, विभागीय आयुक्त कार्यालय के अंदर जो नगर निगम मैडम है, 7 जिलों की जो मैडम है, उनके पास भी जाने के बाद जो है तो 15 दिन के बाद महानगर पालिका प्रशासन जागी, और शुक्रवार के दिन इन्होंने 1600 लोगों का मानदन तैयार किया। 1600 लोगों के लिए 2 चेक बनाए, इन्होंने 2 यादी बनाए, 2 यादी बनने के बाद इन्होंने IDB बैंक उस्मानपुरे के अंदर यादी गई, चेक गई, और 1600 लोगों में सिर्फ 500 लोगों के अकाउंट में ठेठ मानदन आया, बाकी 1100 लोगों का मानदन गया का। 57 लाख रुपए का चेक इन्होंने सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मेंज को बताए थे। 57 लाख के अंदर सिर्फ 7 लाख जो है तो दिव्यांगों के खाते में अमाउंट जमा हुआ, बाकी 50 लाख जो अमाउंट है महानगर पालिका ने किसके खाते में जमा करी, उसका विरोध करने के लिए आज जो है तो पूरे शहर के, अभी तो ये 100 है, ये थोड़ी देर में 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, यानी शाम तक ये पूरे जितने भी वंचित है महानगर पालिका से दिव्यांग, आज उतने जो है हम हेड महानगर पालिका हेड ऑफिस से लेके स्मार्ट सिटी ऑफिस तक के हम आज जो है तो पैदल डेली ले जाने वाले। आज नोट आउट परमिशन, ना हमने किसी पुलिस स्टेशन की परमिशन काटे, ना किसी को हमने पत्र दिए, ना आज हम भी किसी से पत्र व्यवहार करने, आज हम ऑन द स्पॉट जो है तो आज हमारा काम करके लेने वाले। अगर जो रहे हुए लोग है आज के दिन के अंदर उनको मानदन नहीं आता है तो हम पूरे जो है तो स्मार्ट सिटी के अंदर एक मंडप डाल के आज से उपोषण पे बैठने वाले। ये बताइए, ये जो आप पैसे की मांग कर रहे हैं, ये आपका दिवाली जो भत्ता कहते हैं वो है कि जो रेगुलर पैसे आते महीने के वो है? ये एक मिनट, रेगुलर तो दे ही नहीं रही महानगर पालिका। अच्छा। लेकिन हमने बोले महानगर पालिका को सन है, त्यौहार है, हाँ, आज 2023 का आज 11वां महीना गुजरने को आया, लेकिन 11 महीने में इन्होंने आज 2 महीने के दिव्यांगों को मानदन दिए, तो आप इसको बोनस कहेंगे या मानदन कहेंगे? अच्छा, ये बोलिए, आप इससे पहले गए साल जो दिवाली गुजरी थी, दिवाली में सब दिव्यांगों को पैसा मिला था? हाँ, 2021 और 22 के अंदर जो इससे पहले हमारे जो उदावन साहब थे, उन्होंने उदावन साहब ने 2021 और 22 का जो है तो पूरा एक एक साल का निधि डाला, एक दिव्यांग को 24,000, एक दिव्यांग को 36,000 रुपये 2022 तक मिला। लेकिन उसके बाद जो है एक भ्रष्ट अधिकारी जो आके बैठा, जिसका नाम है विनोद परदेसी, ये दिव्यांग विरोधी परदेसी और दिव्यांगों के विरोधी है और दिव्यांग मानसिकता विरोधी रखने वाला इंसान है, ये जो है तो इन्हें जो डाला, हमको जो हमारे लोगों से खबर मिली है कि ये जो परदेसी है विनोद परदेसी, जिसके हाथ में दिव्यांग का चार्ज है, इन्हें जो है तो मुंह को देख देख के पैसा डाला है, इन्हें जो है तो उसको पर्सनल याद ही कोई संगठनाओं ने ला के दिए, वो हिसाब से उन्हें अमाउंट बैंक के अंदर भेजा है। और ये जो विनोद परदेसी है, विनोद परदेसी को तो हम वारंवार बोले, लेकिन विनोद परदेसी ने आज तक नहीं सुना, और आज जब हमारे लोग उसको कॉल कर रहे हैं तो हमको क्या बोला, जिनके पैसे नहीं आए उनसे हम बॉन्ड बना के लेंगे। अब बॉन्ड बना के लेने का ये कारण क्या है कि महानगर पालिका जिसको मानदन नहीं दे रही उनसे बॉन्ड बना के क्यों ले रही, ये मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से, आज हमारा प्रशासन हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपके माध्यम से मैं ये प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, जिसको तुमको लाभ नहीं देना है उनको बॉन्ड लेने का कारण आप बताओ। ये बताइए, इसकी शिकायत आपने कमिश्नर साहब से की? वारंवार हाल में की कमिश्नर साहब से की, उन्होंने बोले भाई 2-2 महीने का मैंने वाउचर तैयार किया, 2 महीने का आपको जितने भी, यहाँ तक कि हमको 2100 लोगों की लिस्ट बताए थे ये लोगों ने, लेकिन 2100 में भी उन्होंने 500 लोग उड़ा के 1600 लोग करे, और 1600 के अंदर भी सिर्फ मानदन आया है तो सिर्फ 500 लोगों को आया, ये जो खड़े हुए हैं ये सब वंचित है, और इससे 10 गुना ज़्यादा जो पब्लिक है तो आज वंचित है महानगर पालिका जो 5% निधि उधर निर्वाह भत्ते से। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शायद पैसे मिलने में देर हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, पूरा बैंक के अंदर बैंक वालों के से मेरी अभी 10-15 मिनट पहले बात हुई उस्मानपुरा IDB बैंक से। अच्छा। उन्होंने बोले हमने दोनों चेक जमा करे, दोनों यादी जमा करे, आप बाकी का जो रहा कलेक्शन, या इनका कहना आ रहा है कि वारंवार टुट्टी पे आ रहे, तो टुट्टी में आ रहे जो महानगर पालिका के अंदर इन्होंने दिव्यांग कश बनाए, दिव्यांग कश के अंदर इन्होंने सिर्फ दिव्यांगों के काम करना या दूसरे सेंक्शन के काम करना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ।
तो महानगर पालिका के अंदर जो दिव्यांग कक्ष बना है वहाँ दिव्यांग का काम कम और महिला बाल विकास कल्याण का काम ज़्यादा हो रहा है। और वहाँ पे एक विरारे मैडम बोल के है, वो दिव्यांग कक्ष के अंदर आके सरासर दिव्यांगों के ऊपर दादागिरी करती, दिव्यांगों को वहाँ आने नहीं देती, दिव्यांगों के संगठन के अध्यक्षों को वहाँ आने नहीं देती, वारंवार बोलती तुम यहाँ आओ मत, यहाँ हमारे कामों में अड़ताड़ आ रहा। आज हमारे काम में इतना बड़ा अड़ताड़ आया, जब हम परदेसी को फ़ोन मार रहे तो परदेसी फ़ोन कट करके रख दे रहा। आपका पूरा नाम और आपके आपके संगठन का नाम बोलिए। मेरा नाम शेख मुनीर, सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मंच का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और इसके बाद दो शब्द हमारे उपाध्यक्ष मोहसिन भाई बोलेंगे। एक सवाल जहन में आएगा, टोटल औरंगाबाद में आप जैसे लोगों की संख्या कितनी है? टोटल तो हमारे यहाँ पे औरंगाबाद शहर महानगर पालिका के हाथ के अंदर 6,500 है। सबको पैसा मिलता था? नहीं, महानगर पालिका प्रशासन के अंदर 2022 में 3,500 लोगों को मानदन मिला, लाभ मिला। उसके बाद इन्होंने 2023 लगते बरोबर एक नूतनीकरण बोल के इन्होंने अर्ज काढ़े। आज वो लोगों ने भी, कोई लोगों ने हमारे नूतनीकरण नहीं भरे, चलो हम एक्सेप्ट करते कि जिन्होंने नूतनीकरण नहीं भरे वो हमारे लोगों की गलती है, लेकिन जिन्होंने नूतनीकरण भरे सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और वारंवार इनका बोलना आ रहा है कि हमारे अकाउंट बंद हो रहे, तो हमारे अकाउंट बंद होने का कारण भी नहीं बता रहे ना, जबकि मेरा अकाउंट चालू है, इसमें से पोरो के अकाउंट चालू है, लेकिन महानगर पालिका हमको क्या बोली, अकाउंट ही बंद है। आज जो है तो हम महानगर पालिका के पास में जो हम सभी हमारे सर्वपक्ष के लोग जमा हुए हैं और दिव्यांग एकता सर्वपक्ष जो हमारी टीम है, हम काफ़ी दिनों से इनको पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं, कंटिन्यू हम इनको लेटर देते आ रहे हैं कि हमारे पैसे सभी की दिवाली सादरी करी जाए, लेकिन ये महानगर पालिका के जो अंदर जो अभी हमारे मुनीर भाई ने बहुत सारी बातें बताई है, एक अधिकारी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, जबकि हमारा सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मंच है, हम सभी पार्टियों को लेकर साथ में काम करते हैं, तो ये कुछ सेलेक्टिव पार्टी के लोगों के इन्होंने जो है तो पैसे जमा करे हैं, हमने इनको बार बार पत्र व्यवहार करे, लेकिन इनकी जो है तो हम इन्होंने जो है तो 2100 लोगों की लिस्ट में से 1600 लोगों का मानदान भेजे, उसमें से भी 400-500 लोगों के पैसे गए, बाकी सबको रोक दिए, और ये बता रहे कि आपको एग्रीमेंट करके देना पड़ेगा। एग्रीमेंट किस बात का करके देने का इनको बॉन्ड पे पूरे बैकग्राउंड में क्या लिखना है? बल्कि नहीं, एग्रीमेंट में उनका मकसद, उनका बोलना ये आ रहा है कि हम बॉन्ड पे तुमसे लिख के लेंगे कि तुम कोई भी एक सेक्शन से लाभ ले सकते, जबकि पूरे महाराष्ट्र में मैंने बात किया हूँ ऐसा कहीं पर भी जीआर नहीं है कि कोई भी दिव्यांग एक उससे लाभ ले सकता, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस के जो महान अपने संजय गांधी की निधि मिलती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मिलती है, दोनों के आधे आधे पैसे मिलाकर, और ये महानगर पालिका का जो 5% दिव्यांगों का निधि होता है, ये टैक्स का जो उत्पन्न होता है, जो महानगर पालिका को टैक्स वसूली होता है अपने उसूल अपने यहाँ से शहर से, तो उसका 5% हिस्सा दिव्यांगों के ऊपर खर्चा करना है, ये जीआर है, फिर भी महानगर पालिका उसमें छेड़छाड़ कर रही है और महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कहीं पर भी जीआर नहीं है। अगर महानगर पालिका इस तरह की कोई हरकत कर रही होंगी और आज के आज में कभी हमारे जितने लोग बचे हुए पैसे नहीं डालेंगी तो आज हमारे सभी लोग यहीं भी यहीं सो जाएंगे और यहाँ से उठने वाले नहीं, शाम हो या कल तक हो जाओ। इसकी शिकायत आपने यहाँ के नेताओं से करें शहर के? मैं खासदार साहब को भी पत्र दिया हूँ, खासदार साहब ने 23 तारीख को, पिछले महीने की 23 तारीख को कमिश्नर साहब को पत्र रिटर्न में लिख के दिया था कि मैंने जितनी मांगा उठाया है, तो खासदार साहब ने कमिश्नर साहब को कहा था कि ये जितनी भी मांगने हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें, और 30 तारीख तक का मेरा अल्टीमेटम था, जब 30 तारीख को मैंने पूरी फादर बॉडी के साथ में हमारे MIM के जितने माजी नगर सेवक सबके सामने कमिश्नर साहब ने हमको कहा था कि मैंने जितनी फाइलें मेरे पास आई हुई थी मैंने सबको मंजूरी दे दी, और कमिश्नर साहब ने मंजूरी दे दी थी, कमिश्नर साहब की बात सही है, लेकिन ये अंदर इन्होंने जो गड़बड़ करे और किसकी बातों में आके किसके दबाव में आकर करे, ये आज हम उसको पूछने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, और आधे लोगों के इन्होंने पैसे जमा करे, और अभी कभी आज के आज में महानगर पालिका हमारे पैसे जमा नहीं करती है, तो हम यहाँ से हलने वाले नहीं है। अभी मेरी पूरी फादर बॉडी को भी जमा करूँगा और सबको बताऊँगा कि कमिश्नर साहब ने सबके सामने मुझे आश्वासन दिए थे। आपका पूरा नाम पद बोल दीजिए। मैं मोहसिन खान, सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मंच, जिला उपाध्यक्ष। इस तरह से आपने तमाम की बात को सुना और आपकी बार हमने मीडिया के माध्यम से देखा, दिवाली बड़ी शानदार रही, अयोध्या के अंदर हमने रिकॉर्ड देखा, लाखों दीप जले, ये अब की बार की दिवाली थी, अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है हो चुका है, और हम समझते हैं कि ये दिवाली ऐसे होना चाहिए था, मोदी जी ने पूरे देश में ऐलान करना चाहिए था, चाहे कोई भी धर्म समाज का व्यक्ति हो, अपंग हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सबको खुशी मिले, क्योंकि ये आज ये साल की दिवाली थी, ये राम मंदिर के शुभ अवसर पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दिवाली थी। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, देखिए आप अब ये कह रहे हैं कि भाई एक से आप फ़ायदा उठाओ, अब सवाल ये जो अधिकारियों को कर्मचारियों को 50,000, 60,000, 1,00,000 की जो मानधन मिलता है, तनख्वाहें मिलती है, तो भी वो कहते हैं कि हम परेशान हैं, अरे ये इनको क्या है साल में 2,000, 2,000 पैसे मिलते हैं, अब इसमें भी कह रहे हैं कि आप एक बार लो, अब सवाल ये गरीब कितना मरे, गरीब कितना जले, कितना उठे, ये सरकार की जवाबदारी देखिए, हमारे
प्रशासन, अगर हम पुराने भारत में चले जाते हैं, राजा और महाराजा के दौर में देखा जाता था, वो अन्नदान करते थे और ये सोच के करते थे कि हमारी रियाया अच्छी रहे, हमारा राज्य सुरक्षित रहे। ये संकट आ रहे हैं, सरकारें गिर रही है, जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये गरीबी की बदुआ है, तमाम गरीबी की बदुआ है सर। ये आपकी जवाबदारी है कि आप आगे बढ़कर थोड़ा कानून के आगे पीछे कर उनको दया माया करो, उनको खिलाओ पिलाओ, इनकी दुआ निकलेंगी, भगवान अल्लाह इससे खुश रहेगा, आपकी सरकार अच्छी चलेंगी, सब अच्छा चलेगा। न याद रखिए, आप कितने भी चांद पे चले जाइए, सूरज चले जाइए, अगर इनकी बदवाएँ निकलेंगी, ये संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो याद रखिए, ना राज, ना देश, ना नेता, ना प्रशासन, कोई भी सुख से नहीं रहेगा। ये कड़वा सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। तुमच्याकडे नाव आहे, तिथं नाव नाही, ते क्लिअर करून दाखवतो। त्याच्यामध्ये किती लोकांना 25,000 पेन्शन भेटून राहिली, संजय गांधी भेटून राहिला। मॅम, हे जे आर नसताना तुम्ही आमच्यावर छुरे अंधेरेमध्ये मारलेले नाही, फार मोठं चुकीचं आहे। हे लोक आहे ना, इथून कुठं जाणार नाही, समजले ना? इथून स्मार्ट सिटी पर्यंत तुम्हाला करायचं होतं, तुम्ही पेपर मध्ये जाहीर प्रकटन द्या ना, आम्ही असं काम करू राहिले। तुम्हाला महानगरपालिकेचा लाभ पाहिजे, संजय गांधी शपथून आमच्याकडून त्याच्यामध्ये नाही भेटले ना, तुम्हाला नाही द्यायचं होतं तर तुम्ही आम्हाला 9 महिने काढा, तो मेरे सिर में फतरा लेके मार दो तुम। मैं एक ही घोड़ा ना घोड़ा, मैं ऐसा जी आर होगा तो बताओ मैडम, हमको 9 महीने मैडम जी आर बताओ यार, नहीं बोले तो मामू जी आर है इनके पास कोई नोटिफिकेशन है क्या? अरे एक जन बात देखो, ओ मैडम एक ही बात बोल रहा, कभी बात नहीं सुनिए ना, ऊपर जाके खुद ही मार दूंगा ऊपर से। मैं मेरी बात सुनो, एक ही बार बोल रहा मैं क्या बोल रहा, आपके पास जी आर है क्या? मैं देखो मैडम, कानून कायदे से बात कर रहा हूँ, मैं रॉन्ग बात कर रहा हूँ आपसे? आपके पास जी आर है क्या? गठन में तुमने ये सब जी आर है क्या आपके पास? 2023 क्या वजह से तुम उधर से छानबीन करके यहाँ लेके आ रहे हमारे यादिया? नहीं आपने दे, नहीं छुड़े मारे बात तो कोई नहीं दे सकता। ये अधिकार कैसा तुम, आपको उधर से इधर कैसा डाटा लेके आ रहे तुम? संजय गांधी का क्या, महानगर पालिका संजय गांधी ने आपको 10 बार बोल रहे हम? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार का काम उधर है? औरंगाबाद के 100 रुपए जमा होते तो उसमें क्या है ये 5 रुपए? हमारे 5% निधि इसका जिया अलग है, विधानसभा में पास हुआ ये 2016 में जिया, तुम कैसा एक को एक मिला के हमारे काम क्यों रुका रहे? इसका जवाब दो मैडम, नहीं तो मैं खुद ही मार दूंगा ऊपर से। सही में नहीं नहीं कब होने वाला मैडम, कब होने वाला है? तुम मेरे को जिया बताओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा, इससे काम होने वाला है क्या? मैं क्या बोल रहा मैडम, मैं आत्महत्या कर दूंगा, देखने का क्या तुम्हारे? देखने का नहीं, जिया अलग है, हमारे लोगों को कितने बार परेशान करते, कौन आएगा? कलीम भाई काम चालू, हाँ कलीम भाई काम चालू, ये ऐसे काम चालू, ऐसे परेशानी हो रहे हमारे लोगों को। ऐसा होता तुम्हें हर बार में हयातनामा लो और चलन दो काम, तो तुम ये लफड़ा ला रहे वो लफड़ा ला रहे, जब देने आप देखो मैडम अप्रैल से 8 महीने हो गए, 8 महीने में से 2 महीने की पेमेंट नहीं डाले, अरे कैसा चलेगा दिव्यांगों का घरदार? चलो रंदो, वो भी रंदो, एक ही है तो फिर अभी तक अप्रैल से 8 महीने में मैडम 2 महीने के पैसे भी नहीं गिरे अकाउंट में, कैसा जीना हमने? साल के पैसे नहीं मिले अभी तक लोगों को, कुछ कुछ लोग मैडम तुमने नूतनीकरण था ना, नूतनीकरण में जब भी बोल देना था भाई संजय गांधी के ले रहे, तो इसको शपथ पत्र लगा के दे। ये जो तुमने अंधेरे में दिव्यांगों को छुरा मारे, आज दिव्यांग लोग ये बदौलत है हमारे साथ चल कपट कर रही, लेकिन हम निकले मैडम, जाहिर हुआ तुमने तुम्हारे मुंह से जाहिर किया, नहीं नागरिक ने, हम भी टैक्स भरते ना, हमारा टैक्स बंद कर दो, पूरे दिव्यांग बंद कर दो, महानगर पालिका टैक्स लेना, टैक्स वसूल बंद कर दो, टैक्स वसूल अभी क्या काम है वो बोलो, नहीं देखो मैडम अभी की बात करो यार, मामू छोड़ो अभी, मैं पढ़ूंगा एक ही बात करूंगा मैं, मेरी मेरी बात सुन लो तुम,
मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं दस टाइम ये जो बोल रहा है कि 5% निधि का जीआर अलग है, उसका जीआर अलग है, जीआर तुम्हारे समझ में आ जाएगा बात। काय सांगाल मॅडम, आज अपंगांनी आपल्या इथं आज घरने आंदोलन केलेलं आहे किंवा मनपामध्ये आलेले आहे त्याबद्दल? आपण दिव्यांगांना आपल्या नगर मनपाच्या स्वतःच्या निधीमधून उत्पन्नातील बांधील खर्च वजा जाता जो काही निधी उरतो त्याचं त्यात 5% आपण प्रोव्हिजन केलेली असते दिव्यांग कल्याणासाठी, तर त्यातून आपण शिष्यवृत्ती आणि उदरनिर्वाह भत्ता देत असतो। तर त्यामध्ये आपण उदरनिर्वाह भत्ता आता सध्या वाटप केलेला आहे, पण यामध्ये जे लोक आहेत की ज्यांनी संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये सुद्धा त्यांनी लाभ घेतलेला आहे अशा लोकांना फक्त आपण त्यांचं पेमेंट थांबवलं आहे याच्यासाठी की त्यांच्याकडून आपण फक्त शपथपत्र घेणार आहोत आणि की या योजनेचा लाभ आम्ही महानगरपालिकेतून घेत आहोत आणि या कार्यालयाव्यतिरिक्त आम्ही दुसऱ्या कुठल्याही योजनेचा या प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेत नाही करिता शपथपत्र लिहून देत आहोत, एवढंच शपथपत्र त्यांच्याकडून घेत। हो वेगवेगळे आहेत पण बघू मग मी आता, पण एकच प्रकारची स्कीम आहे ती, पैशाचा लाभ आहे ना, वस्तू स्वरूपात असेल तर ती वेगळी स्कीम झाली असती। किती लोक आहे मॅडम? असे 697 लोक आहेत जे तिकडे पण संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत आहेत। शासनाची जी स्कीम आहे त्याचा एकच लाभ घेऊ शकता का? एक प्रकारचा म्हणजे एक व्यक्ती एक प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो, त्याच योजनेचा परत परत लाभ घेऊ शकत नाही। तरी पण आता आपण बघू, पुढे मी फाईल पुट अप करते कमिशनर लाभ घेण्याचा जी आर आहे नाही, जी आर आहे ना, पण एकच स्कीममध्ये आपण डबल डबल नाही घेत ना। आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एकच योजना असेल, आता तुम्ही घरकुल घेतलं तर परत घरकुलाचा थोडी लाभ घेऊ शकता तुम्ही। नाही नाही, पैशाच्या स्वरूपात लाभ मिळतो ना त्यांना, पण बघू आपण हे करू, फाईल पुटअप करू किंवा मग शासनाचे मार्गदर्शन मागू, जर तसं असेल तर आपल्याला देण्याला काही हरकत नाही। आता किती लोकांना भेटणार, किती लोक बाकी आहे? 800 आणि दुसरी फाईल म्हणजे 1556 लोकांना मिळालेला आहे लाभ 2072 मध्ये। मॅडम आता आपण बच्चूकडे यांच्याशी फोनवर बोलणं केलं, काय चर्चा झाली? नाही, त्यांचं म्हणणं आहे की संजय गांधीचा लाभ हे सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये मला दिव्यांग लाभार्थी घेत आहेत त्याचा लाभ, तर तुम्ही म्हणजे त्यांना तसं हे करू नका की त्यांना पण लाभ द्या म्हणतात, तर बघू आपण फाईल पुढे मी प्रपोज करते किंवा शासनाचंही मार्गदर्शन मागवलं जाईल याबाबत। काय वाटतं प्रशासनाकडून त्या दिव्यांगांची दिवाळी गोड होईल? कारण आजच वर्किंग आहे ना, उद्या परवा तर सुट्टी आहे, पण जर ते त्याच्यावर निर्णय झाला तर जेवढ्या लवकर हे करता येईल निर्णय घेता येईल तेवढं घेऊन आपण देऊ ना त्यांना। महानगरपालिका चोर है, चोर है, चोर है, महानगरपालिका चोर है, चोर है, चोर है, महानगरपालिका चोर है, चोर है, चोर है, अरे हक्काचे नाही हालत पाहिजे, अरे हक्काचे नाही हालत पाहिजे, या पैसा आमच्या हक्काचा नाही कोणाचे बापाचा, या पैसा आमच्या हक्काचा नाही कोणाचे बापाचा, या पैसा आमच्या हक्काचा नाही कोणाचे बापाचा। महानगरपालिका प्रशासन हाय हाय, महानगरपालिका प्रशासन हाय हाय, होत कसं नाही झालं पाहिजे, होत कसं नाही झालं पाहिजे, दिव्यांगावर अत्याचार बंद करो, बंद करो, दिव्यांगावर अत्याचार बंद करो, बंद करो, होत कसं नाही झालं पाहिजे, होत कसं नाही झालं पाहिजे, महानगरपालिका चोर।
पैसा आमच्या हक्काचा।